And even now, there are lots of dropouts. And I mean, there's still a more larger percentage of girls dropping out in the school as compared to boys. And these, most of them, the middle and the lower class women, that sector. In that, if you actually go and talk to them directly, you'll actually realize that they're still not that different from their ancestors. And they're still being influenced because of the past culture that's still being sent through being brought down in heritage. Or I think ke abhi we have a very long way to go. And I still think ke abhi it's true ke with the wafers and elite women have done a lot of progress, and I think they're really on the right path, but we still have to do a lot for the middle and the lower class, and they still need a platform where they can openly and thank you. थैंक यू आयशा वर्दा, अब आपकी बारी है, एक मिनट है आपके पास रिबटल के लिए. अपने आर्ग्यूमेंट को इतना स्ट्रांग जरूर बनाएं कि जजेस जो हैं वो आपसे इम्प्रेस हों. जहाँ तक बात ये है कि अब पहले की औरतों को ज़्यादा अहमियत जिस तरह से नहीं दी जाती थी, अब उन औरतों को नहीं, अब आज की औरतों को भी नहीं दी जाती, मैं इससे हम्बली डिसअग्री करती हूँ. और वो इसलिए क्योंकि अब मैं जिस कॉलेज में जाती हूँ, वो एक ऑल गर्ल्स कॉलेज है, और वहाँ पर जब मैं अपनी दोस्तों के साथ इंटरेक्ट करती हूँ, तो मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू में एक चेंज महसूस करती हूँ, जो कि जब मैं अपनी दादों से बात कर मेरी ग्रैंड मदर से बात करती हूँ, तो वो एक बड़ा डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू था. और वो उन दे दे डिडंट यूज टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, बट नाउ गर्ल्स दे हैव पैशन एंड दे वॉन्ट टू डू समथिंग, दे वॉन्ट टू मेक देयर मार्क. दूसरी बात ये कि मैं ये समझती हूँ कि जहाँ तक लड़कियों की एक्सप्लॉयटेशन की बात होती है कि उनके साथ गलत हरकतें हो रही हैं, उनके साथ गलत हादसा पेश आते हैं, वो हर मुल्क के अंदर होते हैं, वो सिर्फ हमारा मुल्क नहीं है. हमारे मुल्क में मेरा ख्याल है कि अभी तक थैंक यू सो मच वर्दा, अब आप वापस आ जाइए. आयशा इट्स योर टर्न, यू हैव 1 मिनट फॉर योर रिबटल. प्लीज मेक एन इम्प्रेशन ऑन द जजेस बिकॉज दिस कुड बी द डिसाइडिंग फैक्टर फॉर यू. जैसे मेरे ओपोनेंट ने कहा कि उन लोगों की सोच बहुत डिफरेंट हो गई है, इट्स ट्रू कि हो सकता है कि उनकी सोच बहुत डिफरेंट हो, लेकिन प्रैक्टिकली दे आर स्टिल बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस रिस्ट्रिक्शंस. वो लोग कभी अभी तक जो है, मोस्ट ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द वुमेन एंड गर्ल्स जो इस एज तक कॉलेज तक, आई एग्री कि वो लोग उनकी सोच अमेजिंग होती है, बट बाय द टाइम दे आर 20, ठीक है, ऑल ऑफ अ सडन दे जस्ट बिकम सो रिस्ट्रिक्टेड. दे जस्ट थिंक कि हाँ, जो फैमिली कह रही है, इट्स ट्रू कि कभी कभार फैमिली सपोर्ट करती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम दे एट द सेम टाइम दे हैव सो मेनी रिस्ट्रिक्शंस ऑन देम. आई थिंक कि जब तक वेमेन और आई मीन जब तक एक फैमिली का जो डॉटर है और जो सन है, वो जब तक इक्वल उनको उनकी चॉइसेस नहीं मिलती, जब तक उनको एज एन अभी भी अगर कोई डॉटर अपने पेरेंट्स से कहे कि मुझे अब्रॉड जाना है पढ़ने के लिए, उसको अब भी बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ेंगी उनकी प्रॉब्लम. जजेस आपने इनका पॉइंट ऑफ व्यू सुना. जजेस ने फैसला कर लिया है कि जवान के आदत शो की सेकेंड एपिसोड की विनर कौन है. वील गो स्ट्रेट टू दैम विदाउट एनी फर्दर डू, विदाउट वेटिंग. प्लीज टेल अस हु द विनर इज एंड व्हाट वर द पॉइंट्स दैट वर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स फॉर दिस विनर. दोनों इक्वली बुरे थे अल्हम्दुलिल्लाह. पहले आपके जो पॉइंट्स, मुझे लगा था कि दोनों ही गलती से आ गए, ना आप कुछ केस कर रही थी ना कुछ, लेकिन आपका रिबटल जो था ना वो बड़ा स्ट्रांग था वर्दा आपका. और आयशा, आई वॉज होपिंग कि आपका रिबटल उतना ही स्ट्रांग आता तो हम फिर चक्कर में पड़ जाते, लेकिन मेरे लिए कम से कम आपका रिबटल वीक था, आपका रिबटल स्ट्रांग था. सो यू नो एग्जैक्टली व्हाट द जजमेंट्स गोइंग, बट आई वुड लेट मेरी नोट्स कमेंट. Absolutely concur, Varda. You sealed it with the rebuttal because एक sophisticated argument आप पेश किया, even though आपकी जो beginning speech थी that was disappointing because आपने कोई examples नहीं दिए. और आयशा आपने भी एग्जांपल्स नहीं दिए रिस्ट्रिक्शंस के. अगर आप कह देती हैं कि ऐसी ऐसी रिस्ट्रिक्शंस लगती हैं हमारी खवातीन पे या लड़कियों पे, तो वो क्रिस्टलाइज हो जाती, बट इट वाज स्टिल वेरी क्लोज. सो वेल डन टू बोथ ऑफ यू. आई अग्री दैट वर्दा योर रिबटल वाज स्ट्रांग. द ओनली माय ओनली ऑब्जर्वेशन इज दैट इट वाजंट रियली ऑन हर पॉइंट, इट वाजंट रिबटल ऑन व्हाट
what her basic argument was in terms of the social divide. You didn't sort of touch upon the fact that there is a social divide, which I thought was a strong point coming from Aisha. And Aisha, just again, you had your facts a little, wrong, in the sense that the girls are not dropping out. In fact, if you look into the universities, that there are more girls in universities than boys. So just be a little careful when you're throwing facts out there. So, judges, have you decided on the winner for today's episode? Yes, it is Varda. Congratulations and good luck. And everybody else, well done. Congratulations, Varda. Hamari pehli episode ki winner thi Alize. Second episode ki winner hai Varda. Baki jo contestants hain, ab dil mat chota kijiye. Baat sirf itni hoti hai ki aapko mauka diya jaye ki jo aap soch rahe hain, wo aap logo se keh sake. Thank you, judges. Must not forget that. Thank you for your time. Thank you for sitting here patiently and giving these young people, the youth, an opportunity to come here and talk to us and give them points as well. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. ہم اگلے ہفتے آپ سے ملیں گے چار نئے کنٹیسٹنٹس کے ساتھ. اگر آپ عزم عالی شان جوان قیادت شو کی ڈیٹیلز جاننا چاہتے ہیں تو ہماری ویب سائٹ ہے www.azmealishan.com. پلیز اسٹے ٹیونڈ فار آر نیکسٹ ایپیسوڈ. دس از گیٹنگ ویری ایکسائٹنگ. آئی ہوپ یو انجوائڈ ٹوڈیز شو. آئی ول سی یو نیکسٹ ویک. خدا حافظ.